आप सभी शिव भक्तों को सावन महीने के आगमन पर अत्यंत शुभकामनाएं। कांवड़ यात्रा तो आप सबने देखी ही होगी, लेकिन इसके बारे में शायद बहुत ज्यादा आप सभी को पता नहीं होगा। आज हम आपके सामने वो सारी जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। देवभूमि उत्तराखंड अपनी धार्मिक यात्राओं के लिए प्रसिद्ध है। कांवड़ यात्रा में दूसरे राज्यों से लाखों की संख्या में कांवड़िया हर की पौड़ी आते हैं और जहां से गंगा जल लेकर शिवरात्रि पर अपने अपने क्षेत्रों के शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आता है। कांवड़ यात्रा कैसे शुरू हुई, किसने शुरू की, कितने तरह की होती है और कांवड़ के दौरान नियम क्या क्या होते हैं, ये सब आपको बताते हैं। श्रावण मास चल रहा है और हरिद्वार से शिव भक्त कांवड़ लेकर गंगा जल लेने जाते हैं, फिर उस जल से भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। शास्त्रों में हरिद्वार ब्रह्मकुंड से जल ले जाकर भगवान शिव को अर्पित करने का विशेष महत्व माना गया है। दरअसल वैश्विक महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद हो रही इस कांवड़ यात्रा में हालांकि कोई कोविड प्रतिबंध नहीं लागू किया गया है और अधिकारियों को उम्मीद है कि यात्रा के दौरान कम से कम 4 करोड़ शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में पहुंचेंगे। भगवान परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे। मान्यता है कि वे सबसे पहले कांवड़ लेकर बागपत जिले के पास पूरा महादेव गए थे। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा का जल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। उस समय श्रावण मास चल रहा था और तब से लेकर इस परंपरा को निभाते हुए भक्त श्रावण मास में कांवड़ यात्रा निकालने लगे। चलिए अब आपको कांवड़ के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सामान्य कांवड़ की। सामान्य कांवड़िए कांवड़ यात्रा के दौरान जहां चाहे रुककर आराम कर सकते हैं। आराम करने के लिए कई जगह पंडाल लगे होते हैं जहां वो विश्राम करके फिर से यात्रा को वहीं से शुरू करते हैं। अब बताते हैं डाक कांवड़ के बारे में। डाक कांवड़िए कांवड़ यात्रा के शुरुआत से शिव के जलाभिषेक तक बिना रुके लगातार चलते रहते हैं। उनके लिए मंदिरों में खास तरह के इंतजाम किए जाते हैं। जब वो वापस वहां आते हैं, हर कोई उनके लिए रास्ता बना देता है ताकि शिवलिंग तक बिना रुके वो आसानी से चलते रहे जा सकें। चलिए अब आपको खड़ी कांवड़ के बारे में भी बताते हैं। कुछ भक्त खड़ी कांवड़ लेकर चलते हैं। इस दौरान उनकी मदद के लिए कोई ना कोई सहयोगी उनके साथ चलता है। जब वे आराम करते रहते हैं तो सहयोगी अपने कंधे पर उनकी कांवड़ लेकर कांवड़ को चलने के अंदाज में हिलाते रहते हैं। कांवड़ यात्रा ले जाने के कई नियम होते हैं जिनको पूरा करने का हर कांवड़िया संकल्प लेता है। यात्रा के दौरान किसी भी तरह का नशा, मदिरा, मांस और तामसिक भोजन वर्जित माना गया है। कांवड़ को बिना स्नान किए हाथ नहीं लगा सकते, चमड़े का स्पर्श नहीं करना है, वाहन का प्रयोग नहीं करना है, चारपाई का उपयोग नहीं करना है, वृक्ष के नीचे भी कांवड़ नहीं रखना है, कांवड़ को अपने सिर के ऊपर से लेकर जाना भी वर्जित माना गया है। ऐसी हम आपको और तमाम जानकारियां लगातार पहुंचाते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी को सावन की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान शिव सभी भक्तजनों का कल्याण करें।